इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त इन्वेस्टर्स हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स दें, और हमारा मानना है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट्स वही होती हैं जिनमें हाई रिटर्न पोटेंशियल के साथ साथ रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है जिसमें रिस्क थोड़ा तो हाई है, पर ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करता है जो रिटर्न जनरेटिंग पोटेंशियल प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा रखते हैं, मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। आज के वीडियो में मैं आपको इंडिया के सबसे बड़े फंड हाउस के मिड कैप फंड के बारे में बताऊंगा, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। आज हम आपको इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस फंड की पास रिटर्न्स को देखेंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फॉर मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। अब आप अपने म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड के ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप ZFunds के थ्रू कर सकते हैं। ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा कस्टमर्स अपने ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप के थ्रू कर रहे हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं ZFunds। जैसा मैंने बताया, आज हम बात कर रहे हैं SBI मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। ये फंड इक्विटीज़ के मिड कैप फंड्स के कैटेगरी में आता है। मिड कैप फंड अपने एसेट्स प्राइमरीली मिड कैप इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगाता है। मिड कैप सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो बाय डेफिनेशन मार्केट कैप के हिसाब से 101st से लेकर 250th रैंक के बीच आती हों। इन कंपनीज ने जनरली पास्ट में अच्छी ग्रोथ दिखाई होती है और मार्केट शेयर गेन किया होता है। इसके साथ इनके पास अभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये कंपनीज मार्केट लीडर्स और लार्ज कैप बनने के भी पोटेंशियल रखते हैं। चलिए सबसे पहले फंड के पास रिटर्न्स पर एक नज़र डालते हैं। SBI मिड कैप फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रहे हैं और बेंचमार्क को बीट भी किया है इन्होंने। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क के सिमिलर ही रहे हैं या फिर थोड़े से कम रहे हैं। फंड ने लास्ट एक साल में 82.98% के रिटर्न्स दिए हैं और 10 साल के पीरियड में 20.94% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फंड का इंसेप्शन मार्च 2005 में हुआ था और तब से इस फंड ने 70.16% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स इक्विटीज़ में ही इन्वेस्टेड है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड के 99.28% एसेट्स इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड है और बैलेंस डेट इंस्ट्रूमेंट्स या कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड की पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर बात करें तो इस फंड के मेजॉरिटी एसेट्स तो मिड कैप स्टॉक्स में ही एलोकेटेड हैं। इस फंड के मिड कैप स्टॉक्स में 66.93% एसेट्स इन्वेस्टेड हैं। फंड थोड़ा सा एक्सपोजर लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी देता है। लार्ज कैप्स में 3.70% और स्मॉल कैप्स में 28.65% है। चलिए अब SBI मैग्नम मिड कैप फंड की स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फंड स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप सिलेक्शन अप्रोच यूज़ करता है। फंड के एसेट्स टोटल 63 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन शीला फोम में और 5.81%, उसके बाद कार्बो रैंडम यूनिवर्सल में 4.85% और पेज इंडस्ट्रीज में 4.16% है। अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 38.72% है इन स्टॉक्स में। अगर सेक्टर एलोकेशन को देखें तो फंड के एसेट्स टोटल 15 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में है ऑफ 17.67%। अगर टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स और फाइनेंशियल्स की वेटेज की बात करें तो ये 43.15% है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड की वैल्यूएशंस काफ़ी फेयर लगती हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 4.22 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 29.75 का। चलिए अब फंड के फीचर्स को देखते हैं। SBI मैग्नम मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। SBI मैग्नम मिड कैप फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30th September 2021 6,252 करोड़ रुपीज़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.92% का। इस फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये की होनी चाहिए। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू द SIP मेथड तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये की भी हो सकती है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड के फंड मैनेजर मिस सोहिनी अदनानी हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको रिडेम्पशन पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को एक साल के बाद बेचेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फाइनली बात करते हैं इस फंड पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेगा तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो इक्विटीज़ की तरह ही लगेगा। यानी अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको गेन्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को एक साल के बाद बेचेंगे तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स इन वन फाइनेंशियल ईयर इज़ मोर देन 1 लाख रुपीज़। ये तो था SBI मैग्नम मिड कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इसके फीचर्स। पर अब सवाल ये आता है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स को प्राइमरीली इक्विटीज़ में लगाएगा तो रिस्क तो हाई है, और साथ साथ ये फंड अपने एसेट्स प्रीडोमिनेंटली मिड साइज कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो इसमें रिस्क और भी बढ़ जाता है। पर मिड कैप कंपनी सरप्राइज भी कर सकती हैं क्योंकि इनके पास ग्रोथ और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं।
और इकोनॉमिक अपटर्न्स में मिड कैप कंपनीज बहुत तेजी से लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है जिसमें लार्ज कैप्स ज़्यादा हैं तो एक मिड कैप फंड ऐड करना इज़ अ गुड आइडिया। मिड कैप इक्विटीज़ में एक्सपोजर के लिए SBI मैग्नम मिड कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर अगर इसके अलावा आप कोई और मिड कैप फंड देख रहे हैं तो हमने टॉप 3 मिड कैप फंड्स पर एक वीडियो बनाई है जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने अपनी रिसर्च एनालिसिस और इनहाउस रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से टॉप 3 मिड कैप फंड्स की रैंकिंग की हुई है। आप हमारी वेबसाइट zfund.in पर भी जाकर हमारे रिकमेंडेड मिड कैप फंड्स या फिर दूसरे कैटेगरीज के रिकमेंडेड फंड्स भी देख सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के ये जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, या फिर दूसरे किसी फंड के बारे में जानना चाहते हो, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारे ऐप zfund के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज़ ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हमारे ऐप पर अब आपको डेली SIP का भी ऑप्शन मिलता है, यानी आप रोज़ के रोज़ एक छोटी सी रकम निवेश करके अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जल्दी से पहुंच सकते हैं। डेली SIP सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा अब आप हमारे ऐप के थ्रू डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। 24-कैरेट डिजिटल गोल्ड में आप लाइव प्राइसेस देखकर सिर्फ 10 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके इस वीडियो को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग zfunds।